वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग बाय डॉक्टर किशोर। टुडे वी विल लर्न अबाउट द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट रूट। आपने अगर मोनोकॉट रूट से ट्रांसवर्स सेक्शन, जिसको शॉर्ट में टीएस बोलते हैं, अगर ऐसा सेक्शन लिया तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर उसमें दिखेगा। इसको थोड़ा मैग्नीफाई करके अगर देखेंगे तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर उसमें दिखेगा जिसमें के बहुत सारे अलग अलग टाइप के टिश्यू आपको दिखेंगे, जैसे कि एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स है, उसके बाद में एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल और जाइलम एंड फ्लोएम। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू यू विल ऑब्जर्व इफ यू टेक द सेक्शन थ्रू द मोनोकॉट रूट। वन बाय वन इसको देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं इपिडर्मिस। इपिडर्मिस जो है वो आउटर मोस्ट लेयर है, जिसको हम राइजोडर्मिस भी बोलते हैं या फिर इपिब्लेमा भी बोलते हैं। ये जो इपिडर्मिस है या फिर इपिडर्मल लेयर है, ये सिंगल लेयर रहती है और सबसे लास्ट में प्रेजेंट रहती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है। इसके जो सेल्स होते हैं वो पैरेन्काइमेटस नेचर के होते हैं। द सेल्स प्रेजेंट और द सेल्स विच फॉर्म्स द इपिडर्मल लेयर आर ऑफ पैरेन्काइमेटस इन नेचर। उसके बाद में ये जो सेल्स होते हैं कॉम्पैक्टली अरेंज रहते हैं। कॉम्पैक्टली अरेंज यानी कि इनमें जो दो इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो दो सेल के बीच में का जो डिस्टेंस है वो कुछ भी नहीं रहता, कॉम्पैक्टली अरेंज रहते हैं। उसके बाद में इपिडर्मिस जो है इसमें स्टोमेटा एंड क्यूटिकल अब्सेंट रहती है। स्टोमेटा यानी कि ये गैसीय एजेक्शन करने का काम करता है, जो कि इपिडर्मिस में जनरली प्रेजेंट रहता है, और क्यूटिकल जो है इपिडर्मिस के ऊपर वाली लेयर होती है। ये दोनों स्ट्रक्चर स्टोमेटा एंड क्यूटिकल ये मोनोकॉट रूट में अब्सेंट होते हैं। उसके बाद में ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, आपको या आउटग्रोथ दिखाई दे रही है यहाँ पे इपिडर्मल लेयर में, इसको बोलते हैं रूट हेयर्स। सम सेल ऑफ इपिडर्मल लेयर शोज द आउटग्रोथ विच इज कॉल्ड एज द रूट हेयर। ये रूट हेयर जो है ये इपिडर्मल लेयर के कुछ सेल जो है वो आउटग्रोथ दिखाते हैं, उसको रूट हेयर बोलते हैं। और रूट हेयर मेन फंक्शन ऑफ रूट हेयर इज एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल एंड वाटर, सॉइल से वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब करने का काम ये रूट हेयर का होता है। उसके बाद में आता है कॉर्टेक्स रीजन। ये जो कॉर्टेक्स रीजन है ये बहुत सारी लेयर से बना हुआ रहता है और ये होमोजीनियस यानी कि एक जैसी सेल से बना हुआ रहता है। इसके जो सेल्स है वो एक ही जैसे होते हैं, इसके इसलिए उसको बोलते हैं होमोजीनियस। और कॉर्टेक्स रीजन जो है वो बहुत सारी लेयर से बना हुआ रहता है। इसके सेल भी पैरेन्काइमेटस नेचर के ही होते हैं। और इसकी खास बात एक ये है कि इसके जो सेल्स है ये सेल्स के बीच में का जो डिस्टेंस है, जिसको इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं, वो ज़्यादा रहता है, इसलिए इनको बोलते हैं लूजली अरेंज। एक सेल कैसे रहते हैं, लूजली अरेंज। और ये जो कॉर्टेक्स रीजन है उसका मेन फंक्शन है द स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। सम अमाउंट ऑफ फूड मटेरियल विच इज सिंथेसाइज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस कैन बी स्टोर इन दिस रीजन। उसके बाद में आती है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस जो है कॉर्टेक्स के बाद आने वाली लेयर है, ये भी सिंगल लेयर होती है। इसके सेल जो है वो पैरेन्काइमेटस नेचर के होते हैं और इसकी जो रेडियल एंड इनर टेंजेंशियल वाल होती है एंडोडर्मल लेयर की, एंडोडर्मल लेयर में जो सेल्स होते हैं उनकी जो रेडियल एंड इनर टेंजेंशियल वाल होती है उन पर ये सुबेरिन नाम का मटेरियल डिपॉजिट होता है। ड्यू टू द डिपॉजिशन ऑफ दिस सुबेरिन मटेरियल, थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको कुछ सेल्स निकाल के बताता हूँ। ये जो सेल्स है ऐसे कुल मिला के इस एंडोडर्मल लेयर के कुछ सेल्स रहते, ये जो सेल्स है इनके जो वाल्स है ये वाल पे ये सुबेरिन नाम का मटेरियल ऐसे डिपॉजिट होते रहता है। ड्यू टू द डिपॉजिशन ऑफ दिस सुबेरिन मटेरियल द वाल बिकम अ थीक। ये वाल कैसे हो जाती है, थीक हो जाती है। ये कैसे हो जाती है, थीक। ये थीक होने के वजह से सुबेरिन डिपॉजिट होने की वजह से ये थीक हो जाती है। और ये जो थिकनिंग है ये थिकनिंग को बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप। ये जो थिकनिंग होती है उसको बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप। अब ये कैस्पेरियन स्ट्रिप की और एक खास बात यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा
कि दीज कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर अब्सेंट इन द एंडोडर्मल सेल्स विच आर लोकेटेड अपोजिट टू द प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम के अपोजिट जो होते हैं सेल्स, उन सेल में कैस्पेरियन स्ट्रिप जो है वो अब्सेंट होती है। अब ये प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम क्या है वो आगे जाके देखेंगे। उसके बाद में आती है पेरिसाइकल। ये डायग्राम में आप देख सकते हैं ये जो दो लेयर यहाँ पे दिख रही है आपको, उसमें के आउटर मोस्ट जो है वो है एंडोडर्मिस, उसके नीचे की जो है वो है पेरिसाइकल। ये पेरिसाइकल जो है ये भी सिंगल लेयर ही होती है और उसके जो सेल है वो भी पैरेन्काइमेटस ही होते हैं। दैट आर कॉम्पैक्टली अरेंज, यानी कि इंटरसेलुलर स्पेस उसमें नहीं रहता। और ये जो पेरिसाइकल है उससे लैटरल रूट जो है वो ओरिजिनेट होते हैं। इसके बाद में जो है पेरिसाइकल के बाद आता है यहाँ पे कंजक्टिव टिश्यू। कंजक्टिव टिश्यू जो है वो जाइलम एंड फ्लोएम ग्रुप जो है उनके बीच में प्रेजेंट रहते हैं, जो कि जाइलम एंड फ्लोएम को सेपरेट करने का काम करते हैं। पहले वास्कुलर टिश्यू देखते हैं, उसके बाद में कंजक्टिव टिश्यू आपको समझ आएंगे। तो वास्कुलर सिस्टम जो है यहाँ पे डाइकॉट रूट में आपको 4 नंबर ऑफ जाइलम ग्रुप एंड 4 नंबर ऑफ फ्लोएम ग्रुप दिखे थे, जिसको टेट्राज कंडीशन हमने बोला था। लेकिन यहाँ पे मोनोकॉट रूट में इसका नंबर ज़्यादा है, यानी कि मोर देन 5, जिसको बोलते हैं पॉली आर्च कंडीशन, यानी कि 5 से ज़्यादा नंबर है और बहुत सारे आर्च यहाँ पे क्रिएट कर रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं पॉली आर्च कंडीशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस डायग्राम में ये जाइलम और फ्लोएम ग्रुप नंबर 1, ये जाइलम ग्रुप है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, और इससे अल्टरनेट हो रहे फ्लोएम ग्रुप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। सो इसलिए इसको बोलते हैं पॉली आर्च कंडीशन। अब वास्कुलर टिश्यू जो डायकॉट रूट में भी रेडियल, इसकी रेडियल अरेंजमेंट थी और यहाँ भी इसकी रेडियल अरेंजमेंट है, यानी कि ये जो ग्रुप्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं सब अलग अलग रेडियस पे प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं रेडियल अरेंजमेंट। जो डायकॉट में भी रेडियल अरेंजमेंट थी, मोनोकॉट में भी रेडियल अरेंजमेंट है। उसके बाद में अब यहाँ पे कंजक्टिव टिश्यू के बारे में बात करते हैं। ये जो जाइलम ग्रुप है, ये जाइलम और ये है फ्लोएम, इनके बीच में जो आपको टिश्यू दिखते हैं, ये ऐसे जो टिश्यू है, ये आपको जो टिश्यू यहाँ पे दिख रहे हैं जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में, ये टिश्यू को बोलते हैं कंजक्टिव टिश्यू। क्या बोलते हैं? कंजक्टिव टिश्यू, जो कि जाइलम एंड फ्लोएम को सेपरेट करने का काम करते हैं। और जाइलम जो है यहाँ पे एक्सार्च कंडीशन दिखाता है, इस ये डायकॉट में भी आपने इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे भी एग्जॉज कंडीशन आपको दिखती है, यानी कि ये जो सेंटर की तरफ आपको ये जो दिख रहा है, ये जिसकी साइज बड़ी है उसको बोलते हैं मेटाजाइलम, और पेरिफेरी की तरफ आपको दिख रहा है उसकी साइज थोड़ी कम है, उसको बोलते हैं प्रोटोजाइलम। ये जो प्रोटोजाइलम है इसकी जो पोजीशन है वो पेरिफेरी की तरफ है, इसलिए उसको बोलते हैं एक्सार्च कंडीशन। उसके बाद में ये जो सेंटर का पोर्शन आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं पीत। ये जो पीत है इट इज मेड अप बाय पैरेन्काइमेटस सेल्स विच आर लूजली अरेंज, यानी कि इनके दो सेल के बीच में जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा रहता है। और वास्कुलर सिस्टम जो है, इसकी वास्कुलर सिस्टम का फंक्शन डायकॉट रूट के जो वीडियो अपने बनाया था उसमें डिस्कस कर चुके हैं। वास्कुलर सिस्टम में जो जाइलम और फ्लोएम ग्रुप जो है उनका, जाइलम का काम है कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, और फ्लोएम का जो काम है वो है कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल। उसके बाद में पीच जो है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।